यूपी के कुछ शहरों में सैकड़ों बच्चे जो है वो रहस्यमय बुखार से तप रहे हैं। अचानक बुखार इस कदर बढ़ जाता है कि सांसें सदमे में आ जाती है। हालात ये है कि मौत तक का खतरा फौरन सर पर मंडराने लगता है। सुबह से बोल रहा था, मैंने बेटी को देख लो, मेरी बेटी बहुत परेशान है, मगर सब लोग हाँ ठीक है, मैंने देख लिया, मगर किसी छू के नहीं देखा, देख लिया। फिरोजाबाद में नई बीमारी से मचा हाहाकार। ये कैसा बुखार है जो बच्चों की जान ले रहा है? रहस्यमय बुखार से योगी सरकार भी सख्ते में आई। बच्चे बुखार से तप रहे हैं और माँ बाप हैरान परेशान हो रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की दहशत के बीच नए बुखार का प्रकोप। बचा लो सरकार, ये कैसा जानलेवा बुखार? दिन में रहस्यमय बुखार 40 से ज्यादा लोगों की जिंदगी ले चुका है। पिछले कुछ घंटों में 7 और बच्चे उनके मां बाप खो चुके हैं। इस वक्त फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में 200 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो भर्ती हैं। खुद सीएम ने हालात का जायजा लिया। ये बुखार दूसरे शहरों में भी खतरे की आंच की हद तक फैल रहा है। फिरोजाबाद की इन तस्वीरों ने समूचे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। अस्पतालों में बुखार से तपते बच्चों को देख देख कर माँ बाप परेशान हो रहे हैं। अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं, लोग इलाज के लिए अब जहाँ तहाँ भाग रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा बुखार है जो सीधा जिंदगी का गला घोट रहा है। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के हालात तो बेहद भयावह हैं। यहाँ बड़ी संख्या में बच्चे बुखार से तप रहे हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं वो अपने बच्चों को लेकर आगरा चले जाएं, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही बच्चों की मौत हो जाती है। बच्चों की तबीयत खराब है और रोजाना आते हैं यहाँ, दवा मिलती है, बहुत परेशान करते हैं। ये परसों आया था तो कल क्या है? कल दवाई दे दी, फिर घबराहट होते हैं। क्या दिक्कत अभी आ रही है? भाप लगवाई है, सांस लेने में दिक्कत। हाँ, सांस लेने में दिक्कत आती है और हाँ बुखार है। बुखार तो बहुत है, उतरती ना बुखार। हाँ, ये अभी थोड़े दिन से ही पहले से फैला हुआ है, कम से कम महीना भर से ही, और यही गत हो रही है कि बुखार आता है और हॉस्पिटल पहुँचते गाफिल हो जाता है बच्चा। आप ही के इलाके में कितने लोग हैं या कितने बच्चे हैं? पांच लोग लगभग, पांच बच्चे पांच खत्म हो चुके हैं। फिरोजाबाद में इस रहस्यमयी बुखार का कहर ऐसा है कि इलाज के लिए डॉक्टर कम पड़ रहे हैं और बाहर से डॉक्टर बुलाए गए हैं। हालात इतने विकट हैं कि फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के 100 बेड के कोरोना आइसोलेशन हॉस्पिटल को भी बच्चा वार्ड में तब्दील करना पड़ा है। ऑपरेशन थिएटर, डिस्पेंसरी, स्टोर रूम सबको वार्ड में बदल दिया गया है। इसके बावजूद भी बीमार बच्चे अस्पताल की गैलरी, बेंच और जमीन पर लेटने को मजबूर हैं। फिरोजाबाद में इस रहस्यमय बुखार से अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 5 बड़े हैं और 36 बच्चे शामिल हैं। सूत्रों की माने तो 4 बच्चों की मौत बुधवार को ही हुई थी, जबकि अकेले फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में 200 से ज्यादा बच्चे भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग की हालत यह है कि वो मौतों का आंकड़ा भी सही से नहीं दे पा रहे। मुख्यमंत्री जी ने बताया था, उसकी डेथ ऑडिट की गई, उसमें 2 कार्डियक डेथ थे और जब बाद में देखा गया तो उनकी क्लियर डेंगू से किसी उन लोगों की मौत नहीं थी। तो अब 36 हमारे पास बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है और 5 एडल्ट हैं, टोटल 41। खुद योगी आदित्यनाथ भी इस रहस्यमयी बुखार को लेकर सख्ते में हैं। सीएम योगी ने फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। सीएम योगी अस्पताल में बीमार बच्चों से मिले। योगी आदित्यनाथ के दौरे पर 48 घंटे के बीच जाने के बाद भी रहस्यमयी बुखार काबू में नहीं आया।
तो योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के सीएमओ नीता कुलश्रेष्ठ को हटा दिया गया। 11 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम फिरोजाबाद भेजी गई है। आईसीएमआर के 11 सदस्यीय टीम ने फिरोजाबाद पहुंचकर सैंपल की जांच की, लेकिन जांच में बच्चों और बीमारों में कोविड 19 के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। शहरी एवं ग्रामीण निकायों को क्षेत्र में साफ सफाई करने के आदेश दिए गए हैं। सीएम योगी के आदेश के मुताबिक भर्ती बच्चों का मुफ्त इलाज करवाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के सीएमओ नीता कुलश्रेष्ठ का तबादला करके अलीगढ़ भेज दिया गया है और यूपी के हापुड़ से डॉक्टर दिनेश प्रेमी को फिरोजाबाद का नया सीएमओ बनाया गया है। जिला अस्पताल में भर्ती कई मरीजों को खून की कमी और प्लेटलेट्स की कमी से जूझना पड़ रहा है। सारे पेशेंट्स का हम कोविड कर रहे हैं, कोरोना टेस्ट नेगेटिव है। हर एक केस में किसी भी मरीज में कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है। बेड साइड हर मरीज का हम कर रहे हैं। ये जो हमारे केसेस हैं, ये जस्ट हमारा फिरोजाबाद इज जस्ट एडजेसेंट टू द मथुरा, तो ये संशय किया जा रहा है। जैसे वहाँ पर भी डेंगू आया है, लेप्टोस्पायरोसिस आया है, स्क्रब टाइफस आया है, तो हमारे यहाँ भी लगभग उतना ही परसेंटेज आसपास आने का उम्मीद है। और जो भी अलाइसा का टेस्ट है उसमें मैक्सिमम केसेस हमारे डेंगू के हैं। यूपी में इस रहस्यमय बुखार को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने फिरोजाबाद में हुई मौतों को लेकर सीएम योगी पर निशाना साधा और बुखार से मरने वालों को 10 लाख रुपए तत्काल देने की मांग की। मैं समझता हूं कि अभी मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को लेकर चुनाव प्रचार में व्यस्त है। 15 दिन से अधिक इस महामारी और बीमारी को फैलते हुए लोगों के बीच में जाते हुए तमाम बच्चों को काल के गाल में समाते हुए हो गया और सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। यह पूरी तरह प्रमाणित है कि यह मुख्यमंत्री संवेदनहीन है, इसके जिम्मेदार स्वयं मुख्यमंत्री है। फिरोजाबाद में इस बुखार ने हाहाकार मचा कर रख दिया है। खुद डीएम जाकर अस्पताल का मुआयना कर रहे हैं, मरीजों की तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक हर घंटे 8 से 10 बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद आज तक।